मोहम्मद गुलाम है उसके घर को जमींदोज किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ नवभारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इकबाल है वो इस तरीके से ध्वस्त होता जा रहा है और आप देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अब उमेश पाल हत्याकांड में बाबा का बुलडोजर फिर से एक बार एक्शन में दिखने जा रहा है और इस वक्त रसूलाबाद इलाके में अब जो मोहम्मद गुलाम है उसके घर को जमींदोज किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ नवभारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये मोहम्मद गुलाम था जो शूटआउट कांड में पूरे तरीके से आरोपी था और अब उसके घर पर ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है और फिलहाल इस वक्त एक नहीं बल्कि तीन बुलडोजर यहाँ पे लगाए गए हैं और इन बुलडोजर के जरिए जो मोहम्मद गुलाम था उसके घर को जमींदोज किया जा रहा है। लगभग 335 वर्ग मीटर में ये मकान बना था और अब इसके मकान को जमींदोज किया जा रहा है। पीडीए ने पहले ही इस घर को खाली करने के लिए ध्वस्त करने के लिए यहाँ पर नोटिस छपा किया गया था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला और उसके बाद जो पीडीए की कार्रवाई है वो एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। तो उमेश पाल हत्याकांड में लगभग 25 दिन गुजर चुके हैं और अब जो कार्रवाई का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। इसके पहले हमने देखा था कि जो अतीक अहमद से जुड़े हुए जो तीन फाइनेंसर थे उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई और अब जो मेन शूटर है जो गुलाम मोहम्मद बताया जा रहा था जिसने पहली दूसरी गोली उमेश पाल पर दागी थी और अब उसके घरों पर उसके घर पर ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये रसूलाबाद का इलाका है। कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद गुलाम पिछले 20 सालों से अतीक अहमद के साथ था। हर घटना में वो उसका साथ देता था और कहा यह जा रहा है कि अतीक अहमद के जेल में जाने के बाद से उसने गैंग की कमान संभाल ली थी। हालांकि उसके साथ गुड्डू मुस्लिम भी था, अरमान भी था, मोहम्मद साबिर भी था और असद के साथ मिलकर इन चारों ने उमेश पाल को मारने की साजिश रची थी और उसी साजिश के तहत 24 फरवरी की शाम तकरीबन 5 बजे उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से ये सारे शूटर अभी भी फरार चल रहे हैं। इन सभी के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है लेकिन अब योगी सरकार सख्त एक्शन लेते हुए अब इनके घरों को भी एक एक कर जमींदोज करने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई। निश्चित तौर पर ये बड़ी कार्रवाई है। इसके पहले हमने देखा था कि जफर अहमद के घर पे बुलडोजर चला था, सफदर अली के घर पे बुलडोजर चला था और माशुकुद्दीन जो कि अतीक गैंग का बैंक फाइनेंसर था उसके घर पे बुलडोजर चला था और अब जो शूटरों के घरों पर कार्रवाई का जो एक तरीके से दायरा है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये शूटर बताया जा रहा है कि पिछले 25 दिन से फरार हैं और इन शूटरों की गिरफ्तारी के लिए जो उत्तर प्रदेश की टीम है वो लगभग 5 राज्यों के जो लगभग 20 जिले हैं वहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इसके अलावा नेपाल और भूटान में भी जो एसटीएफ की टीम है वो डेरा डाले हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि ये जिंदा या मुर्दा इनको पकड़ा जाए। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था उससे सरकार की जो साख है वो एक तरीके से दांव पे लग चुकी थी। खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और जो माफिया को मिट्टी जो उन्होंने बात कही थी उसकी एक और तस्दीक करते हुए ये जो तस्वीर है वो सामने आ रही। फिलहाल हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर दो और जो बुलडोजर है वो यहाँ पर लगाए गए हैं लेकिन अभी फिलहाल एक बुलडोजर से ही पूरा जो ये मकान है उसको ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो उसमें लगाया गया है। आसपास की हम तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस का भारी जो बंदोबस्त है वो किया गया है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। इस पूरी घटना में जिस तरीके से साजिशा परवीन हो या फिर सदाकत खान हो उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है लेकिन अभी तक पुलिस के साथ सिर्फ और सिर्फ जो कामयाबी के नाम पर अगर बात करें तो दो एनकाउंटर हुए हैं जिसमें अरबाज जो कि अतीक अहमद का जो ड्राइवर है उसका बेटा बताया जा रहा उसे पुलिस ने मार गिराया था और उसके बाद विजय चौधरी उस उस्मान को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था और अब जो एक और जो शूटर है मोहम्मद गुलाम उसके घर पर भी पीडीए की कार्रवाई शुरू कर दी है और अब उसके मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। आपको देखिए ये 335 वर्ग मीटर का ये मकान है और सामने की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर कुल 4 दुकानें थी। सबसे पहले इन चारों दुकानों को खाली कराया गया, उनके ताले तोड़े गए, इसके बाद जो घर की बिजली है उसे काटी गई और अब जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। तो एक जो कार्रवाई की बात कही जा रही थी कहा यह जा रहा था कि अब शायद जो बुलडोजर का एक्शन है वो धीमा पड़ गया लेकिन एक बार फिर से लगभग 2 हफ्ते के बाद जो बुलडोजर है योगी आदित्यनाथ का वो एक्शन में दिख रहा है। तो निश्चित तौर पे ये बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई का इंतजार न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे देश को था क्योंकि इस घटना के बाद से जिस तरीके से सरेराह उमेश पाल की हत्या की गई थी, उनके ऊपर फायरिंग की गई थी, उनको बम मारा गया था उसके बाद से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे और उसी सवालों का जवाब देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। हालांकि इस
इस घटना के बाद से जो अतीक अहमद है वो बेहद सहमा हुआ है और वो लगातार ये कह रहा है कि वो उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं जाना चाहता है, जेल ट्रांसफर नहीं चाहता है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि पूछताछ के नाम पर यूपी पुलिस उसको उत्तर प्रदेश ला सकती है, लेकिन वो लगातार उससे बचने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं बल्कि उसका जो भाई है अशरफ, वो भी प्रयागराज आने से डर रहा है। तो निश्चित तौर पर जो एक खौफ है, जो खौफ है वो इन अपराधियों के अंदर साफ तौर पे देखा जा सकता है। और योगी आदित्यनाथ पहले भी कहते आए हैं कि माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा माफिया हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, और शायद यही कारण है कि जो कार्रवाई का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए, ये सिर्फ एक इमारत पर ये बुलडोजर नहीं चल रहा है, बल्कि अतीक अहमद की पूरी साख पर बुलडोजर चल रहा है, और इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो आसपास के जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि अगर कोई माफिया अगर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसका भी हश्र यही होगा। देखिए, प्रयागराज में हमने देखा कि किस तरीके से अतीक अहमद का पिछले 3 दशकों से जो एक आतंक था, उससे जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि जो बड़े बड़े नेता थे वो भी थर थर कांपते थे। साल 2006-07 की बात की जाए तो उस दौरान जो स्थानीय अधिकारी थे वो भी अतीक अहमद पर हाथ डालने से कतराते थे, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से जो उसका इकबाल है वो एक तरीके से ध्वस्त होता जा रहा है। और आप देखिए, इसी घर में, ये घर गुलाम अहमद मोहम्मद गुलाम का ये पुश्तैनी घर बताया जा रहा है, और इस घर में उसकी माँ है और उसका जो भाई है जो रसूल हसन है वो रहता था। हालांकि जब हमने इसके पहले, इस कार्रवाई से पहले जब उनके घर वालों से बात की तो उनका कहना था कि पिछले 4 से 5 महीनों से उनका जो संपर्क है वो गुलाम से नहीं था। हालांकि उसकी माँ ये जरूर कह रही थी कि जो उसकी सोहबत थी वो जरूर खराब हो गई थी, अतीक गैंग के वो संपर्क में रहता था। उसके भाई ने बताया कि वो अतीक से मिलने जेल में भी जाता था, और उसी आधार पर अब जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है। हालांकि जो उनका जो भाई है वो बीजेपी अल्पसंख्यक महानगर का अध्यक्ष था, इस घटना के बाद से उसको पार्टी से हटा दिया गया, पद से हटा दिया गया। उसे इस बात का इल्म जरूर है कि उसके भाई ने उसके जो भाई ने गलत काम किया, और उसी का जो अंजाम है वो उसके परिवार को भुगतना पड़ रहा है। तो जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। अब आप देखिए कि जो आगे का सबसे जो पहली दुकान है वो उसे ध्वस्त कर दिया गया है, और अब जो दूसरी दुकान है उसको ध्वस्त करने की कोशिश ध्वस्त किया जा रहा है। और इस काम में फिलहाल तो अभी एक बुलडोजर लगा है, दो बुलडोजर लग चुके हैं। दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि मकान के दोनों तरफ से दो बुलडोजर ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगले 1 से 2 घंटे के दौरान ये पूरा का पूरा जो मकान है उसे जमींदोज कर दिया जाएगा। तो एक बड़ी कार्रवाई है, ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, और यही कारण है कि अब जो कार्रवाई का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं कि इस पूरी घटना के बाद से ही असद हो या फिर गुड्डू मुस्लिम हो या फिर गुलाम हो या फिर साबिर हो या फिर जो और जितने शूटआउट में शामिल जो शूटर्स थे उनकी तलाश में जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, जो एसटीएफ की टीम है, वो ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। हमने देखा कि मेरठ में भी छापेमारी हुई थी, कहा यह गया कि उस दौरान जो गुड्डू मुस्लिम था वो वहां से फरार हो गया। इसके अलावा नेपाल में भी टीमें जो हैं वो ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही कर रही हैं, और कोशिश यही की जा रही है कि शूट आउट को अंजाम देने वाले जो शूटर्स हैं उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए, और उसी कोशिश के लिए एक तरीके से दबाव बनाने के लिए अब यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। ये जो मकान है ये बताया जा रहा है कि ये सरकारी जमीन पर बना था, इसको लेकर पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन मोहम्मद गुलाम के परिवार की ओर से उसका जवाब नहीं दिया गया, और उसके बाद से ये जो कार्रवाई है वो शुरू की गई है। पीडीएफ की ओर से 13 फरवरी को यहाँ पर नोटिस भी चस्पा किया गया था, कहा गया था कि आप इस मकान को ध्वस्त कर दे अन्यथा जो पीडीए है वो उसे ध्वस्त करेगा, लेकिन परिवार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, और उसके बाद से जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो अब शुरू हो चुकी है। देखिए, इस पूरी घटना की अगर बात करें तो इस पूरी घटना पर एक तरीके से जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसके साख पर सवाल उठ रहे थे। विपक्ष कहने लगा था कि अब जो कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से योगी सरकार दम भरती थी उसकी हवा निकलती जा रही है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से जाहिर कर दिया है कि अभी भी उसका जो बुलडोजर है वो बिल्कुल एक्शन में है। इस कार्रवाई की बात करें इस पूरे शूटआउट की, तो अभी तक जो दो शूटर थे, अरबाज हो, विजय चौधरी उर्फ उस्मान हो, उनको एनकाउंटर में मार गिराया गया था। इसके अलावा सदाकत खान जो कि छात्र था, एलएलबी का छात्र था, उसको हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा साइस्ता परवीन पर जो इनाम की राशि है उसे बढ़ाई गई है, और इसके साथ ही जो दूसरे शूटर थे उनके ऊपर भी 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। तो बड़ी कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई इसलिए भी है क्योंकि
इस पूरी घटना को लेकर सरकार पर एक तरीके से सवाल उठ रहे थे और उसी सवालों का जवाब देने के लिए अब जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। इसके पहले जो तीन जो फाइनेंसर थे उनके घरों पर बुलडोजर चला था। सबसे पहले सफदर अली जो कि जिस मकान में अतीक अहमद का परिवार रहता था वहां पर साइस्ता परवीन अपने दो नाबालिग बेटों के साथ रहती थी, सबसे पहले उसके मकान को जमींदोज किया गया। फिर सदाकत अली, उसके बाद सफदर अली के मकान को ध्वस्त किया गया जो कि आम सप्लायर था, वो हथियार सप्लाई करता था ऐसा आरोप कहा जाता है। उसके बाद एक और जो अतीक गैंग से जुड़ा हुआ मासिकुद्दीन है उसके घर को ध्वस्त किया गया था और अब जो कार्रवाई है वो मोहम्मद गुलाम के घर पर हो रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में मोहम्मद गुलाम ही नहीं बल्कि साबिर के साथ साथ जो गुड्डू मुस्लिम है उसके घर को भी ध्वस्त किया जा सकता है। तो कार्रवाई का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पीडीए की ओर से अतीक गैंग से जुड़े हुए लगभग 100 से अधिक जो लोग हैं उनके घरों को चिन्हित किया गया है। सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिन लोगों ने अवैध तरीके से मकान बनाए हैं उनके घरों को भी चिन्हित किया गया और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ पीडीए ही नहीं बल्कि प्रयागराज की जो स्थानीय प्रशासन की जो टीम है वो भी उनके घरों को ध्वस्त करेगी। कोशिश यही की जा रही है कि इस बार अतीक गैंग का समूल नाश किया जाए क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3 दशकों से जो उसका आतंक था वो यहाँ पर कायम था, चाहे बिल्डर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो या फिर दुकानदार हो, हर कोई अतीक से अतीक के जो उसका जो रसूख था उससे परेशान थे, उसकी दबंगई से परेशान थे। आए दिन उनके साथ मारपीट की जाती थी, हत्या की जाती थी, लूटपाट होता था। तो जो शहर की स्थिति थी वो काफी बिगड़ी थी लेकिन 2018 के बाद से जब से अतीक गैंग पर शिकंजा कसा उसके बाद से लोग राहत की सांस जरूर ले रहे थे लेकिन जिस तरीके से उमेश पाल को गोली मारी गई, उसके ऊपर बम चलाया गया, उसके बाद से फिर से एक बार जो अतीक का खौफ था वो सामने आ गया था और कोशिश अतीक गैंग की कोशिश यही थी कि उमेश पाल को मारने के बाद से जो पुराना उसका खौफ था वो शहरवासियों के अंदर लाया जाए और इसी कोशिश में जो अतीक का गैंग था वो लगा हुआ था। हालांकि उसने इस बार बड़ी गलती कर दी है, गलती इस वजह से क्योंकि इस बार उसे इस बात का इल्म नहीं था कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि जो उसे बचा लेती थी लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इस बात का इल्म अब शायद अतीक अहमद को हो गया है क्योंकि अतीक अहमद खुद अब उत्तर प्रदेश आने से घबरा रहा है, प्रयागराज आने से घबरा रहा है। उसी प्रयागराज में जहां पर पिछले 3 दशकों से उसकी सल्तनत चलती थी, उसकी दबंगई चलती थी, जहां भी वो हाथ रख देता था वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती थी लेकिन अब उसी प्रॉपर्टी को एक एक कर ध्वस्त किया जा रहा है। और आप ये तस्वीरें देखिए, गुलाम मोहम्मद जो कि इस पूरे घटना में एक तरीके से शूटआउट में शामिल था, आपने देखा होगा कि जिस दुकान से वो निकलकर सामने आता है और उसके बाद उसने उमेश पाल पर गोलियां चलाई और एक एक कर अब उसके मकान को ध्वस्त किया जा रहा था। एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर आप इसे देख सकते हैं।